तो ये मैच की शुरुआत और ये काफी क्लोज हो सकता था अगर ये लग जाती तो। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा अब्दुल रहीम, ये चैलेंजिंग ओवर है शायद। तो ये फ्री हिट नहीं है, चैलेंजिंग ओवर में सिर्फ लाइन की नोका फ्री हिट है। और इसी के साथ हबीब का विकेट, और ये एक डाव खेला था, कामयाब हुए, यहीं पे माइनस फाइव हो गया और हबीब का विकेट गिर गया। तो पहले ओवर की समाप्ति हो गई और स्कोर में से माइनस फाइव हो गया। तो ये माइनस थ्री पे चली गई है यूनिक राइडर। एक ओवर की समाप्ति पर पहली बार देखने को मिला है कि कोई माइनस थ्री में गया है, माइनस में स्कोर। एक रिस्क लिया था, रिस्क है तो इश्क है। नए गेंदबाज लाला, पांच रन, माइनस थ्री हो गया स्कोर। तो एक ओवर की समाप्ति हो गई, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है माइनस थ्री यूनिक राइडर्स। एक रन के साथ स्कोर हो गया माइनस टू। पहली बार इस तरह की स्कोरिंग बतानी पड़ रही है कि माइनस टू। फील्डिंग में लगातार परिवर्तन करते हुए जो समय अभी इन्होंने पहले ओवर में बचाया अब उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। शानू, शानदार शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेल के एक रन पूरा किया भाग के। अच्छा कवर किया वहां पे लाला ने, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर अभी भी माइनस वन, अभी भी खाता नहीं खुला हुआ है। माइनस वन पे खेल रही है यूनिक राइडर्स। वाइड बॉल, और इस वाइड बॉल के साथ स्कोर हो गया है जीरो। और ये शानदार चौके के साथ स्कोर की शुरुआत की है आकिब ने, तो चार रन हो गया है स्कोर। ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर मुदस्सिर का। और ये बैट का एज लग गई थी, पूरी तरह से कनेक्ट नहीं किया, मात्र एक रन से संतुष्ट। रन संख्या बढ़ती हुई छह। लाला अपने ओवर की अगली गेंद, शानदार शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग, काफी क्लोज कॉल हो सकता था लेकिन अपनी क्रीज में पहुंच गया आकिब। लाला राइट आर्म राउंड एक बार फिर आकिब को, शानदार शॉट चार रन के लिए, बेहतरीन शॉट। ओवर की समाप्ति हो गई है, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11। एक विकेट का महत्वपूर्ण नुकसान जो कि हबीब के रूप में हुआ है, बिना कोई रन बनाए आउट हो गए हैं।
नए गेंदबाज रहीम आए नए गेंदबाज और ये काफी अजीब स्टाइल बॉलर की वाइट बॉल का इशारा। इसी बीच ओवर की अगली गेंद अब्दुल रहीम राइट आर्म राउंड बॉलिंग करेंगे एक और वाइट बॉल। नूर खेल रहे हैं बल्लेबाजी पर। नूर एक बार फिर सामना करेंगे अब्दुल रहीम का। अभी तक दो अतिरिक्त रन हासिल किया है। एक और वाइट बॉल तो ये हैट्रिक हो गई है अतिरिक्त की। लाइन और लेंथ खो बैठे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज को देखते हुए। हो सकता है साइड चेंज करेंगे देखना है क्या करते हैं। सेम साइड राइट आर्म राउंड ही बॉलिंग डालेंगे। और एक बार फिर वाइट बॉल नहीं चेंज कर सकते। इससे पहले भी दिया गया है तीन बॉल डालना ही पड़ेगा। चार लगातार वाइट डाल चुके हैं। शानदार शॉट उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर देखना है रुका या नहीं। बाउंड्री चार रन का इशारा। अच्छी कोशिश थी वहां पर नाकामयाब। हल्का फ्लिक किया था। अगर फील्डर जगह पे मौजूद होता तो कैच हुआ था। इसी के साथ अच्छे फील्डर को वहां बाबू को भेजा है। फील्डिंग में परिवर्तन। इसी बीच ओवर की अगली गेंद रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश नाकामयाब हुए। हल्का सा एज लग के एक रन पूरा किया नूर ने। इसी बीच ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे आकिब जो कि अभी तक अच्छे लय में दिख रहे हैं। ओवर की अगली गेंद आकिब के लिए और ये फ्लाइट में बीट किया। गेंद टप्पा खाकर ज्यादा बाउंस होती हुई। बहुत अच्छी गेंद लगातार बीट पे बीट करा रहे। स्टार्ट में जितना एक्स्ट्रा दिया था वो कवर कर रहे हैं। बीच ओवर की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंदबाजी रहीम की। लगातार आकिब को बीट करा रहे हैं। ओवर की अगली गेंद और ये क्लीन बोल्ड। काफी अच्छी गेंदबाजी रहीम की। भले ही चार गेंदें स्टार्ट में अतिरिक्त दिया था लेकिन उसके बाद कवर करते हुए आकिब का विकेट लिया। बीस रन के स्कोर पर आकिब का विकेट गिरा है। एक आकिब के आउट होने के बाद दूसरे आकिब आते हुए। तीन ओवर हो गए ना। तीन ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 20। आठ मिनट में अब उनको दो ओवर पूरे करने हैं। टाइमर पे नजर रखे आठ मिनट बचे हुए हैं।
नए गेंदबाज जैन, चौथे ओवर की शुरुआत होते हुए शानदार रिवर्स शॉट नूर का, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा दिखाते हुए चार रन हासिल किया है। दो ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे नूर को अपनी टीम के लिए। शानदार एक और शॉट, लगभग हाइलोजन पे मार दिया था ये, लेकिन बच गया। दो गेंदों पर दो लगातार चौके बनाकर स्कोर पहुंचा दिया 28। एक और इसी के साथ ये चौके की हैट्रिक नूर की, बेहतरीन बल्लेबाजी, रन संख्या बढ़ती हुई 32। पूरी तरह प्रेशर में ले आए गेंदबाज को नूर, और अब्बास की कैच, शानदार कैच अब्बास ने लिया है पॉइंट पर। नूर का विकेट, जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरे लय में थे, एक और शॉट खेलने की कोशिश की रिवर्स में, लेकिन एज लग के सीधा अब्बास के हाथों में। इस तरह से एक और विकेट का पतन 32 के स्कोर पर। इसी बीच हम बताते चले कि रशीद आजमी साहब हमारे बीच में मौजूद है, हम उनका स्वागत करते हैं, बेहद शुक्रगुजार है हम हमारे मैनेजमेंट का, खासकर सऊद भाई और मेराज भाई का, जो कि इस टूर्नामेंट के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। हेलो, और ये काफी अच्छी गेंद, पेस में बीट किया, तीन गेंदों पे तीन चौके दे दिए थे, लेकिन उसके बाद यहां पर दो काफी अच्छी गेंद। और ये मिसफील्ड बाबू की, काफी अच्छे प्लेयर है वो, लेकिन ये मिसफील्ड किया और ये चार रन चला गया। तो ये ओवर की समाप्ति हो गई, ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन। तो 5 मिनट बाकी है शानू के लिए, और शानू को देखना है ये 5 मिनट में ओवर कंप्लीट करते हैं कि नहीं। आकिब को पूरा ओवर खेलना होगा, वो जानते हैं कि शानू स्लोअर डिलीवरी डालते हैं। इसके बाद होने वाला मैच एसएससीसी और गोल्डन पैंथर, दोनों ही टीम के कप्तान से अनुरोध है कि वो टॉस उड़ाने के लिए तैयार रहे इस इनिंग के बाद। इसी बीच शानू अपना ओवर लेकर आए हैं, आकिब को देखना है इस ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए आकिब को काफी ध्यान से बल्लेबाजी करनी होगी, वो जानते हैं के शानू कैसी गेंदबाजी करते हैं, देखना है कितना रन बटोर पाते हैं इस ओवर में। और काफी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, रन नहीं लेंगे आकिब, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा ओवर खेलने की कोशिश करेंगे। बॉल रिलीज के बाद बल्लेबाज आगे बढ़ सकता है, और ये वाइड बॉल, रशीद आजमी साहब, अज्जू प्रधान, फैजल भाई और रशीद आजमी इसके बाद आएंगे टॉस उड़वाने के लिए और मैन ऑफ द मैच देने के लिए। इसी बीच लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल के आकिब ने एक रन निकाला है, अब
बल्लेबाजी का दारोमदार इमरान के हाथ में, देखना इस ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं अपनी टीम के लिए। शानू के ओवर की अगली गेंद इमरान के लिए, और ये काफी अच्छी फुर्ती वहां पर दिखाई विकेटकीपर हफीज भाई ने, और ये विकेट ले लिया है आकिब का कीमती विकेट। अज्जू प्रधान, रशीद आजमी साहब और फैसल भाई इस इनिंग के बाद मैदान में आ जाए अगला टॉस उड़ाने के लिए, जो के उड़ाया जाएगा किसके किसके बीच है, एसएस सीसी और गोल्डन पैंथर्स के बीच। नए बल्लेबाज आए महमूद भाई, ये साउथ भाई के काफी चहेते हैं, मन के हैं। चार गेंदे हो चुकी है, साउथ भाई के मन के चहेते महमूद भाई, शानदार शॉट 6 रन के लिए, और ये साउथ भाई की तरफ से 200 रुपए का कैश प्राइज महमूद भाई के लिए, शानदार छक्का आते साथ। एक बार फिर महमूद भाई, देखना आखिरी गेंद पे कितना रन बटोर पाते हैं, और ये नींबू पिराने की कोशिश नाकामयाब, शानदार शॉट लेकिन भाग के सिर्फ 1 रन पूरा किया, ओवर की समाप्ति हो गई है, ओवर। रशीद आजमी साहब, फैजल भाई और अज्जू प्रधान साहब इस इनिंग के बाद मैदान में आ जाएंगे टॉस उड़ाने और मैन ऑफ द मैच देने के लिए। तो ये आखिरी बॉल, रन संख्या जा पहुंची है 45। देखना है आखिरी गेंद पर कितने रन बटोर पाते हैं, चौका मार के 50 का लक्ष्य दे पाते हैं कि नहीं इमरान। और ये मिस फील्डिंग हुई महमूद भाई, दूसरा रन पूरी तरह से भाग के पूरा कर दिया, और ये रन आउट। रशीद आजमी साहब, अज्जू प्रधान साहब और फैसल भाई मैदान में आ जाए, हमारे हरदिल अजीज रशीद मलिक साहब, रशीद आजमी साहब, अज्जू प्रधान और फैसल भाई आ जाए। फतेहपुर फाइटर के मास अयाज और इस्माइल, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मैदान में आ जाए। रशीद आजमी साहब, अज्जू प्रधान और फैसल हमारे बीच आ रहे हैं, हम उनका बहुत स्वागत कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन का कैमरा चालू रखे, एसएससीसी के कैप्टन और गोल्डन पैंथर के कप्तान आ चुके हैं, एसएससीसी के कप्तान आ जाए। हमारे तीनों मेहमान आ चुके हैं, रशीद आजमी साहब, अज्जू प्रधान और फैसल भाई, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माज अयाज और इस्माइल, तीनों आ जाए अपने अपने मैन ऑफ द मैच लेने के लिए। सर कैसे हैं आप, फिर जूतियां बना के लेके आ रहे क्या? जल्द से जल्द अपना मैन ऑफ द मैच लेने के लिए आ जाए।
तब तक एसएससीसी के कप्तान, एसएससीसी के कप्तान टॉस उड़ाने के लिए मैदान में आ जाए जल्दी से जल्दी। मैन ऑफ द मैच के तीनों खिलाड़ी जल्द से जल्द आ जाए। तो ये पहला मैन ऑफ द मैच कौन देगा? तो ये टॉस उड़ा दिया जाए। लॉन्ग ऑन के कैमरा प्लीज, ये पूरा बैकग्राउंड लिया जाए। गोल्डन पैंथर कॉल बोलेंगे, हेड का कॉल दिया है और ये टेल का स्पेशलिस्ट कॉइन है, टेल आया है। क्या लेंगे? एसएससीसी ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया है। एसएससीसी ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो ये पहला मैन ऑफ द मैच मास का कैमरामैन, शानदार तालियों से स्वागत करें मैन ऑफ द मैच का। अगला कौन? इस्माइल, इस्माइल का भी मैन ऑफ द मैच फैजल भाई देंगे। ये मैन ऑफ द मैच फैजल भाई की तरफ से दिया जा रहा है। इस्माइल का मैन ऑफ द मैच। और एक किसका था? और एक और मैन ऑफ द मैच अयास का, रशीद भाई, रशीद आजमी साहब आके मैन ऑफ द मैच दे दें। एक और मैन ऑफ द मैच कप निकाल के, ट्रॉफी निकाल के दी जाए अयास को। ये मैन ऑफ द मैच तालियों के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया यहाँ पे अयास ने, उनको मैन ऑफ द मैच। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम फैजल भाई के, रशीद आजमी साहब के और अजू प्रधान साहब के, जो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के गांव से यहाँ पर आए मैच देखने के लिए, उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार। इसी बीच और ये पहली गेंद बीट हो गए। फतेहपुर से फोन आया है आसिफ भाई के लिए, नदीम भाई का, कि अगर वो छक्का मारते हैं तो उन्हें 500 रुपए का इनाम। टाइमर चालू कर दे, टाइमर, टाइमर चालू कर दे। हमारे सीनियर खिलाड़ी मुनाजिर हमारे बीच आ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। और ये वाइट बॉल का इशारा, इमरान, शानदार शॉट लेकिन ऊपर लग गया, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। इमरान ओवर की अगली गेंद, फील्डिंग में परिवर्तन, बाएं हाथ के बल्लेबाज, शानदार शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग स्क्वायर लेग बाउंड्री पे। रयान की, रयान ने अच्छा क्षेत्र रक्षण किया वहां पर, चार रन को एक रन में तब्दील किया। इसी बीच आसिफ के लिए फतेहपुर से फोन आया है, खास करके अगर वो छक्का मारते तो 500 रुपए का कैश प्राइज। फतेहपुर प्रीमियर लीग का आज का ये दूसरा दिन, बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम साउथ भाई और मेराज भाई का, जिन्होंने शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, और पूरे मैनेजमेंट कमेटी का के इतना अच्छा सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने की। ये चौथा दौर, चाहे जैसे भी हालात हुए हैं, इस टूर्नामेंट को नहीं रुकने दिया है। उम्मीद करते हैं आइंदा साल भी हमें देखने को मिलता रहेगा ये टूर्नामेंट।
इसी बीच पॉइंट पे खेल के एक रन आसानी के साथ हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने। शानदार शॉट लेकिन सीधा और ये आपस पे भिड़कर ये कैच छूट गई। देखना वहां पे चोट लगी है कि नहीं, बच गए। ओवर की समाप्ति हो गई है। कितना रन हुआ? पहले ओवर की समाप्ति पे रन संख्या है 5 बिना कोई नुकसान के। अड़तालीस रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ये गेम चेंजर की टीम पहली गेंद पर मात्र पहले ओवर में मात्र 5 रन निकाले हैं। इमरान का बहुत ही अच्छा ओवर। अब हबीब लेकर आए अपना ओवर अपनी टीम के लिए। भले ही बल्लेबाजी में 0 पे आउट हो गए थे लेकिन देखना है गेंदबाजी में क्या कमाल दिखा पाते हैं हबीब अपनी टीम के लिए। और ये कैच लॉन्ग ऑन में खेल के डायरेक्ट सीधा हाथ में दे बैठे। फतेहपुर गांव की आप मोहब्बत इसी से आप समझ सकते हैं कि खास करके 1600 किलोमीटर ट्रैवल करके ये मैच देखने के लिए यहां पर आए हैं। नए बल्लेबाज आए हैं शानू, सामना करेंगे हबीब का। एक बार फिर एक्सपीरियंस वर्सेस न्यू जनरेशन स्टार। शानू ने अपनी टोपी को उल्टा कर लिया है, देखना है सीधा कितना खेलते हैं। और ये हिट विकेट हो गए शानू, बोल्ड है। पहली गेंद पर बोल्ड हुए है हबीब की गेंद पर, तो हबीब ऑन अ हैट्रिक। पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की थी लेकिन पूरी तरह से बीट किया हबीब ने। पहले ही समझ चुके थे कि उनके इरादे क्या है। तो हबीब ऑन हैट्रिक, भले ही बल्लेबाजी में कोई कमाल नहीं दिखा पाए लेकिन अपनी टीम के लिए गेंदबाजी में पूरी तरह से कमाल दिखाते हुए नए बल्लेबाज आए हैं। नए बल्लेबाज आए इम्तियाज भाई रनर बाबू के साथ। हबीब ऑन हैट्रिक, देखना है अभी तक कोई हैट्रिक देखने को नहीं मिली है इस टूर्नामेंट में। क्या हबीब वो पहले हो सकते हैं हैट्रिक लेने वाले? फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन करते हुए देखना ये हैट्रिक होती है नहीं। हैट्रिक बॉल और ये अच्छे से प्लेस कर दिया है। और ये बहुत अच्छी गेंद हबीब की, टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकली। बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज कुछ खास समझ नहीं पाए। मेहताब भाई और सनाउल्लाह भाई आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे बीच मौजूद है। हम उनकी दिल के गहराइयों से स्वागत करते हैं कि वो हमारे बीच है इस वक्त कीमती समय देते हुए। इसी बीच ओवर की और ये बहुत अच्छी कोशिश इमरान की, नाकामयाब रहे लेकिन एक रन बचा लिया अपनी टीम के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। फतेहपुर से खास ये टूर्नामेंट देखने के लिए आए हैं सनाउल्लाह भाई। दो ओवर की समाप्ति हो गई है। दो ओवर की समाप्ति पर 6 रन, काफी अच्छा ओवर हबीब का। एक रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं अपनी टीम के लिए।
अब तीन ओवर में 42 रनों की आवश्यकता। मेहताब भाई और सनाउल्ला भाई हमारे बीच मौजूद है, हमारी हौसला अफजाई करते हुए फतेहपुर प्रीमियर लीग को अपना पूरा सपोर्ट देते हुए मेहताब भाई और सनाउल्ला भाई हम दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। इसी बीच नए गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार इम्तियाज। और ये नूर ने जस्ट अभी जगह बदली थी, जगह बदलते ही उसी दिशा से चौका चला गया। सत्रह गेंदों पर अब 38 रनों की आवश्यकता और ये एक और चौका। नूर नहीं पहुंच पाए गेंद तक, ऑलमोस्ट हाथ में ही थी गेंद। सोलह गेंदों पे 34 रनों की आवश्यकता और ये बहुत अच्छी गेंद। पंद्रह गेंदों में अभी भी 34 रनों की आवश्यकता और ये एक रन भाग के पूरा किया दोनों ही बल्लेबाज ने। तो 14 गेंदों में अब 33 रनों की आवश्यकता। अच्छी फील्डिंग वहां पर महमूद भाई की, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। बॉल डालने के बाद आगे निकल सकते हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद इम्तियाज भाई के लिए और ये शायद वाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त गेंद मिली है इस ओवर में। एक और नो बॉल और ये नो बॉल का फायदा नहीं उठा पाए, रन आउट हो गए, बॉल भी काउंट हो जाएगी। एक रन तो मिला लेकिन अतिरिक्त बॉल नहीं मिलेगी। अब लाला आते हुए मैदान में। तो ओवर हो चुका है 12 गेंदों में। कितना किए अफरीदी 12 बॉल में कितना रन? रन हुआ है 12 बॉल में कितना चाहिए? 30। अरे 12 बॉल में 30 रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। लाला और इम्तियाज भाई मैदान में मौजूद। 12 बॉल 30 रन हमने देखा इसी टूर्नामेंट में, 12 बॉल पे 36 रन बनते हुए देखा है। और वैसे भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए अफरीदी सामना करते हुए पहली गेंद फुल टॉस और ये आउट। पहली गेंद पर विकेट थमा बैठे लाला अपना। अभी भी 11 बॉल में 30 रनों की आवश्यकता है। कंधे नहीं झुकने चाहिए, मैच को आखिरी बॉल तक खींचने की जरूरत। बल्लेबाजों को एक दूसरे की हौसला अफजाई करती रहनी चाहिए। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 11 गेंदें बची है, 30 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं। अब्दुल रहीम सामना करेंगे रयान का। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा।
नो बॉल और ये फ्री हिट, शानदार शॉट और ये बॉल हाथ के बीच में से चली गई, एक्स्ट्रा जंप मार दिया, गेंद बीच में से निकल गई। दो ही बॉल ही ना, दस बॉल पे कितना आया। बहुत अच्छी गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी, नौ बॉल पे तेईस रनों की आवश्यकता। और ये वाइड बॉल, ये नो बॉल का इशारा, बीमर बॉल था, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। तो नौ बॉल पर 22 रन की आवश्यकता, देखना है अब्दुल रहीम इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं। नौ बॉल 22 रन, और ये अच्छी फील्डिंग अपनी फॉलो थ्रू पर रेहान की, 8 बॉल पे 22 रनों की आवश्यकता, नो बॉल का इशारा, 8 बॉल पे 21 रनों की आवश्यकता, फ्री हिट। अब्दुल रहीम को चाहिए बाउंड्रीज, शानदार शॉट, लेकिन सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ा। तो 7 बॉल पे 20 रन, 1 to go, 7 बॉल 20 रन, एक बाउंड्री आना बहुत जरूरी इस गेंद पर ताकि मैच बना रहे। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, अभी भी 7 बॉल पे 19, इस बॉल पे बाउंड्री आना बहुत जरूरी। इम्तियाज भाई पूरी कोशिश करेंगे बाउंड्री के लिए, शानदार शॉट और ये बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, 6 रन रोक लिया अपनी टीम के लिए, मात्र 1 रन मिला। और ये देखना है चोट गहरी तो नहीं है, टाइमर रोक दिया जाए। नहीं ये नो नहीं है, फुल टॉस पे मारा, नो नहीं, ना फुल टॉस पे मारा। भीड़ ना करे, थोड़ी सी हवा लगने दे खिलाड़ी को, चोट अगर ज्यादा लग गई तो सब्स्टिट्यूट खड़ा कर दे। 1 ओवर में 19 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। हबीब भाई अगर जो चोट ज्यादा लग गई है तो सब्स्टिट्यूट खड़ा कर दे। राकिब की बहुत अच्छी फील्डिंग, इंजर्ड हो गए हैं तो इसलिए उनका सब्स्टिट्यूट खड़ा कर दिया जाए। बहुत बेहतरीन उन्होंने ये छक्का रोक के मात्र 1 रन दिया अपनी टीम को,
पांच रन बचाए अपनी टीम के लिए, तो एक ओवर में 19 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। फतेहपुर प्रीमियर लीग का आज का दूसरा दिन शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय मेराज भाई एंड सऊद भाई। एक ओवर में 19 रन मैच जीतने के लिए। बॉलर नेम प्लीज। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, एक ओवर और 19 रन। एक ओवर में जीतने के लिए 19 रन की आवश्यकता। गेंदबाज अजीम, 6 बॉल 19 रन। कम से कम 5 चौके चाहिए या 4 चौके और 3 अतिरिक्त सिंगल्स। टाइमर ऑन कर दीजिए। और ये अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। नए बल्लेबाज अब्दुल रहीम, 5 गेंदों में 18 रन। 5 लीगल डिलीवरी डालनी होगी अपनी टीम को जिताने के लिए। अजीम को शानदार शॉट 6 रन के लिए अब्दुल रहीम का। अब 4 गेंदों में 12 रन। मैंने कहा था क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक आखिरी रन या गेंद ना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी बीच ओवर की अगली गेंद राइट एम राउंड अब्दुल रहीम को, और ये वाइड बॉल। 4 बॉल पे अब 11 रन की आवश्यकता। काफी क्लोज आ चुका है ये मैच। चार बॉल 11 रन, और ये स्टंपिंग आउट। देखना ये नो बॉल है कि नहीं। और ये विकेट का पतन। चलेगा वो चलेगा।
तो तीन बॉल में अब 11 रनों की आवश्यकता। काफी अच्छी विकेट कीपी इमरान की। तीन बॉल 11 रन, काफी क्लोज मैच। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, जैसा कि मैंने कहा था। नए बल्लेबाज आए बाबू, अब सारा दारोमदार बाबू और इम्तियाज के कंधे पर। तीन गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। देखना है कितना प्रेशर बना पाते हैं। क्लोजिंग फील्डर का फायदा हुआ है, एक जो 4 रन हो सकता था उसको 1 रन में तब्दील किया। शानदार शॉट, लेकिन ऊपर लग गया। ये निश्चित तौर से छक्का हो सकता था, लेकिन ऊपर लग के रुक गया। अब दो गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता, एक छक्का और एक चौका। देखना इम्तियाज भाई क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। दो बॉल 10 रन। शानदार चौका, अब एक सामने मारना पड़ेगा, छक्का मारना पड़ेगा इम्तियाज भाई को आखिरी गेंद पर जीतने के लिए। एक बॉल 6 रन। देखना है जावेद मियादाद की याद ताजा करते हैं कि नहीं इम्तियाज भाई सामने मारकर। एक बॉल 6 रन इम्तियाज भाई। देखना है कि वो जावेद मियादाद का एक्शन रिप्ले कर पाते हैं या नहीं। एक बॉल 6 रन। एक बॉल 6 रन और ये बीट कर गए इम्तियाज भाई और ये मैच जीत लिया है। अगली मैच की दोनों टीमें से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द मैदान में आ जाए। जीती हुई टीम से अनुरोध है कि वो बाहर चले जाए। फाइटर फाइटर विनर टीम अजीम 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 यूनिक फाइट राइडर, यूनिक राइडर के कैप्टन, यूनिक राइडर महमूद भाई।